की शख्सियत पर तकरीर के लिए 12वीं जमात की शाहजहां बेगम को आवाज देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करे। शाहजहां बेगम, 12वीं जमात। इस महफिल की ज़ीनत, इस महफिल की ज़ीनत मौज़िज़ जनाब शेखुल जामिया, मौज़िज़ मेहमाना ने ग्रामी, मोहतरम वालदैन और मेरे मशफिक मेहरबान असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पुरनूर रौनक महफिल में मेरी तकरीर का अनवान है मौलाना आज़ाद की खिदमत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। मोहतरम सामाइन, रात घर के तरफ बहुत शोर था, कहीं साइलेंसर की आवाज़ थी, कहीं पटाखे फट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई चीख चीख कर सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत मुस्कुराते चेहरे थे, कहीं गीत गाए जा रहे थे, कहीं नगमे सुनाए जा रहे थे। ये मंजर देखकर बाबा अचानक खामोश हो गए। ऐसा लगा जैसे वो माजी की हसीन यादों में खो गए हो। फिर खामोशी तोड़ते हुए कहने लगे, 15 अगस्त 1947 की रात का मंजर भी कुछ ऐसा ही था जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। मैंने कहा, बाबा हम किसकी गुलामी से आज़ाद हुए? कौन लोग थे जो हमें गुलाम बना रखा था? कहने लगे, कुछ अंग्रेज थे जो बाहर से आए थे, अपना ओढ़ना बिछोना अपनी तहजीब लाए थे, घर अपना था, दुकानें उनकी थी, बोलते हम थे, ज़बानें उनकी थी। मैंने कहा, बाबा ये तो आज भी है, घर अपना है, ज़बानें उनकी है, हम तो फ़क़्त गुलाम है, दुकानें उनकी है, उन्हीं की सकाफत का राज है, उन्हीं की तहजीब का नाच है। बाबा कुछ बदला तो नहीं? एक मर्तबा नजर मोड़ी और कहने लगे, वो हम पर जुल्म करते थे, कोई रोकने वाला ना था, वो हमारा माल चुराते थे, कोई टोकने वाला ना था। मैंने कहा, बाबा आज का चोर आपके अखबार की सुर्खी में, खबर में, खबरनामे में आता है, अब आपका सियासतदान पनामे में आता है। मेरे 60 साल बाबा को हिंदुस्तानियत का जज्बा उमड़ आया और 70 साल बूढ़े मुल्क के बारे में जबान चलाते हुए बर्दाश्त ना कर सके और कहने लगे, ये जो जबान चल रही है ना, बस यही चलाना आती है। वो कलम चलाते थे, तुम सब जबान चलाओ, तुमने तो सिर्फ पाया है, तुम्हें क्या बता कितनी कुर्बानियां दी गई है इस मुल्क को संवारने में। हमें याद करो, हम मौलाना आज़ाद के साए में इस मुल्क को सजाने वाले हैं। ये वही आज़ाद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 साल तालीम निज़ाम की राह इस्तेमाल करने और इसे कौमी रंग और आहंगता करने में सर्फ की। ये वही आज़ाद है, ये वही आज़ाद है जिन्होंने दूरबीनी और बालिग नजरी से हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की तर्जुमानी की। ये वही आज़ाद है जिन्होंने कौमी तालीम के अखलाक इकदार की आबियारी की। ये वही आज़ाद है जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की पुरजोर वकालत की। ये वही आज़ाद है, ये वही आज़ाद है जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा की जड़ें मुस्तहकम की। ये वही आज़ाद है जिन्होंने साइंसी और तहजीबी तरक्की के लिए बेशुमार इदारे क़ायम किए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पीछे रह गए? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अधूरे रह गए? ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान। मैंने कहा, बाबा आप सच कहते हैं, आप सच कहते हैं कि राशन की सरकारी दुकान से राशन ना मिलने पर मरने वाले मासूम है आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, या फिर साइकिल की दुकान पर गुर्बत के बमचर लगाते बच्चे हैं आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, कर्ज के बोझ में दब कर खुदकुशी करने वाले किसान है आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, या फिर मेडिकल कॉलेज के हाथे में अब दिनी सो जाने वाले मासूम बच्चे हैं आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, ट्रैफिक सिग्नल से लेकर आइन अदलिया कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हैं आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, आस्था के नाम पर बेगुनाहों को सरेआम कत्ल करने वाले लोग हैं आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, या फिर रोजगार की तलाश में 20 धक्के खाते 20 साल के 20 नौजवान हैं आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान, या फिर फिरकावारा तशद्दुद बरपा करके मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को तहस नहस करने वाले अफराद हैं आज़ाद के ख्वाबों का हिंदुस्तान। बताइए ना बाबा, यही है आज़ाद का हिंदुस्तान?
کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے آزاد کا ہندوستان تم نے کھویا ہے تم نہیں سنبھالو گے تو یہی لوگ آئیں گے انہیں گھر سے نہیں نکالو گے تو یہی گھر کو چلائیں گے تم نے رشدی ہی نہیں جابر بھی کندی بھی تم نے خلدون تبری بھی تم نے سینا ابن الحیشم تم البیرونی توسی بھی تم شاعری میں شیرازی ہو تم نغمگیری میں فردوسی ہو خیام ہو تم نیشاپور کے تم رومی کے مثنوی ہو تم سمندر کے غازی ہو تم شہباز ہو قلندر کے تم آواز سے للکار سے بے خوف ہو بے باک ہو توڑی ہے غلامی کی زنجیریں تم مولانا ابوالکلام آزاد ہو اس مٹی کے رہنے والے ہو تمہیں اس مٹی کو سجانا ہے بن گیا تیرا اور میرا ہندوستان اب آزاد کا ہندوستان بنانا ہے اب آزاد کا ہندوستان بنانا ہے اب آزاد کا ہندوستان بنانا ہے اگر تیری نصیحت پر عمل کرتے وطن والے اگر تیری نصیحت پر عمل کرتے وطن والے تو یہ ہندوستان تیرا وطن کچھ اور ہی ہوتا اگر تیری نوا کچھ اس چمن پر کارگر ہوتی اگر تیری نوا کچھ اس چمن پر کارگر ہوتی تو مجھ کو ہے یقین رنگے چمن کچھ اور ہی ہوتا شکریہ محترم سامعین بچوں کے تمام تر پرفارمنس بحسن خوبی اختتام کو پہنچے چھوٹے ہونہار بچوں کے دل موہ لینے والے مظاہرے میں اساتذہ اکرام کی محنت اور کاوش کی جھلک نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنتوں اور کاوشوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے محترم حاضرین اب میں نہایت ادب اور احترام سے اپنے مہمانان کو اسٹیج کی زینت بخشنے کے لیے زحمت دوں گا اب ہم نہایت آخری پڑاؤ میں ہیں میں امیر ایوب علی خان صاحب اور اس پروگرام کے چیئر پرسن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلوہ فروز ہوں اسٹیج پہ اور بلا تاخیر میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وقت بہت کم ہے اس کے باوجود ہم نے اپنے پروگرام کو بہت ہی زیادہ مختصر کر دیا میں اپنے شیخ الجامعہ اور مہمان خصوصی سے نہایت ادباً احتراماً التجا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک پرائز دینے کی ایک لمبی لسٹ تھی اور ہمارے یہ معصوم بچے خواہش مند رہتے ہیں کہ ہمارے شیخ الجامعہ کب آئیں کہ میں ان کے ہاتھوں سے شرف حاصل کروں بہرحال بچوں یہ وقت نہیں ہے میں نہایت ہی ادب سے چار بچے ہیں میں گزارش کروں گا اور سی بی ایس سی کی جانب سے 2015-16 کا جو بیچ ہمارا گیا تھا اس میں 7 بچوں کو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی اس کی میرٹ لسٹ آئی ہے تو اس کو ہم روکے ہوئے تھے کہ شیخ الجامعہ اور کے ہاتھوں ہی سے دیے جائے تو میں گزارش کروں گا زاہد سر سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور طاہرہ ترنم طاہرہ ترنم آفرین بیگم اور عائشہ بیگم اسٹیج پہ آئیں اور یکے بعد دیگرے مہمان خصوصی اور شیخ الجامعہ سے اپنی میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کریں سات بچے تھے جس میں اور بچے نہیں آ پائے کسی وجہ سے اور محمد صفی کو اگر میری آواز پہنچ رہی ہے یہ لوگ اردو ادب میں 100 میں ان کو 100 میں سے 99 مارکس آئے ہیں 8 بچوں اٹھارہ طالبات میں سے 8 بچوں کو اردو ادب میں 100 میں سے 99 مارکس انہوں نے حاصل کیا ہے اور اسی کے لیے جی نیکسٹ ہے عائشہ بیگم جعفرین فاطمہ محمد صفی تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو اسٹیج پہ آئیں اور
और मोहतरम सामईन, हमारे स्कूल से वॉल मैगजीन हर महीने पब्लिश होता है और उसके लिए तो पूरी टीम और मजलिस इदारत को इनाम के लिए रखा गया था, लेकिन वक्त कम है, लिहाज़ जो सिर्फ एडिटर हैं मैं उनको आवाज़ दूंगा कि वो आए। 11th क्लास से जहाँ ने उर्दू की एडिटर मैमूना बेगम उर्दू मैगजीन वो आए और मेहमान खसूसी और शेखुल जामिया से अपना इनाम ले जाएं। और हिंदी मैगजीन से कल्पना संकल्प सॉरी संकल्प मैगजीन के एडिटर रजिया बेगम की एडिटर 12th क्लास एडिटर और साइंस मैगजीन साइंस की दुनिया 10th बी की एडिटर अजमत बेगम ये था वॉल मैगजीन में सिर्फ एडिटर्स को प्राइज देने का सिलसिला। अब हम किसी और दूसरे प्रोग्राम में अपने प्रिंसिपल साहब के हाथों से बाकी नायब एडिटर और मुदी और मजलिस मशावरत के तालिब इल्मों को इनामात दिए जाएंगे, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। साइंस के, स्पोर्ट्स के, कंप्यूटर के और रियाजी के यादवन गुजारिश करूंगा कि वो डाइस में तशरीफ लाएं और मेहमानान गरामी का कतारू पेश करें। आज की महफिल के सदर शेखुल जामिया जनाब मोहम्मद असलम परवत साहब, आज के खुसूसी मेहमान जनाब MV कृष्णा राव साहब, कफील साहब और नन्हे मुन्ने साथियों, मेरा काम मुख्तसर है, मैं आपसे कृष्णा राव साहब का तारुफ करवाना चाहूँगा। शेखुल जामिया से आप बेहतर तौर पर वाकिफ हैं। कृष्णा राव साहब से मैं पहली दफ़ा उस वक्त मिला जब ये सिटी पुलिस के कमिश्नर थे। मुझे एक आर्टिकल आप पर लिखने का मौका मिला और वो आर्टिकल का हेडलाइन थी कोतवाल हाजिर है, दैट वाज इन इंग्लिश, एंड कृष्णा राव साहब प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट कमिश्नर्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का जो कॉम्पोजिशन है कम्युनिटीज़ का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, मुसलमान तकरीबन 40% मुसलमान हैं, 60% 55% हिंदू हैं और क्रिश्चियंस हैं और सिख हैं और पारसी हैं हैदराबाद में, उन सब का लिहाज करते हुए बिलखसूस मुसलमानों का, कृष्णा राव साहब ने इनके एहसासात का एहसास करते हुए अपने लिए कई शेरवानियाँ सिलवाईं और वो हर मुस्लिम जलसे में जहाँ पे माइनॉरिटीज़ ज़्यादा होते थे उनसे डायरेक्ट रब पैदा करने के लिए आप पैजामा और शेरवानी बल्कि चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी में जाया करते थे। हमारी तहजीब की नुमाइंदगी करने वाले कृष्णा राव साहब बहुत आगे तरक्की करते करते वो डायरेक्टर जनरल ऑफ तिब्बतियन फोर्स एंड इंडियन बॉर्डर फोर्स हो गए, जो तिब्बत का और भूटान का बॉर्डर जो है वो मॉनिटर करती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, सहाफती ज़िंदगी में बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स को ईमानदार देखा है, जिनमें से ये एक हैं। मैंने बहुत कम ऑफिसर्स को पॉलिटिशियंस के सामने झुकते हुए देखा है। कृष्णा राव साहब उन पॉलिटिशियंस में से हैं जो चीफ मिनिस्टर के पास भी बिन बुलाए बिला ज़रूरत नहीं जाते थे। आपके पास कृष्णा राव साहब की आने की वजह ये है कि वो एक रोल मॉडल हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चे उनके नक्श कदम पर चलें, उनके जो उसूल हैं उनको अपने नजबुल ऐन में शामिल करें और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। जनाब कृष्णा राव साहब, के कृष्णा राव साहब को दावत स्टेज दूंगा कि तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम तो चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। अब माइक पर MV कृष्णा राव साहब।
صدر جلسہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرویز صاحب، اس ماڈل اسکول کے پرنسپل صاحب، بزرگوں، ویسے تو کوئی بزرگ دکھ رہا نہیں، سب سے اولڈ میں ہوں، بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب کے معافی مانگتا ہوں کہ میری تقریر میں زیادہ تک انگریزی کے لفظ استعمال ہوں گے، کیونکہ میں ابھی تک اردو نہیں سیکھا، نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، تو ویسے میں ان پڑھ ہوں، مگر سن کے سمجھ سکتا ہوں اور تھوڑا بہت رکشہ والوں کا بات بھی کر سکتا ہوں دکنی اردو میں، تو آپ پہلے معاف کرنا مجھے۔ یہ ایک ایگزیلریٹنگ ایکسپیرئنس ہے میرے لیے، میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ اتنے انرجی، اتنے چیئرفلنیس اور اتنے ٹیلنٹ ایسے محلے میں ایک اسکول اور اس کے چلڈرن، میں تو کافی واقف ہوں یہ پرانی شہر سے، کیونکہ میرا آفس بھی ادھر ہی تھا اور میں بہت بار آ چکا ہوں فلک نما اور باقی جگہوں پہ، لیکن اسی ایریا میں اتنے بڑے سٹینڈرڈز کا ایک اسکول، ماڈل اسکول جو باقی اسکولوں کو ماڈل، اٹس اے رول ماڈل، یہ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کی وجہ سے یہاں چل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ دی یونیورسٹی اینڈ دی وائس چانسلر، ایسا ماحول پیدا کرنا آسان نہیں ہے، کافی محنت، اسپیشلی بائی دی پرنسپل اور ان کے ٹیچرز اسٹاف کافی محنت کیے ہوں گے، ود آؤٹ سچ ہارڈ ورک یہ لیولز ریچ نہیں کر پائیں گے۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں 65% گرلز ہیں، یہ کہیں اور اسکول میں نہیں ہے، اس کا وجہ جو بھی ہو، میں یہ بچوں کے پیرنٹس، ماں باپ لوگوں کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں تہ دل سے۔ اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ جب گھر میں مدر ایجوکیٹڈ ہیں تو پورا فیملی آٹومیٹکلی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں، جو نالج مدر کے پاس ہے وہ بانٹ دیتی ہے، اور ہم سب کے فرسٹ ٹیچر تو مادری ہی ہوتی ہے، جو بھی زبان ہم سیکھتے ہیں مادری زبان وہ مدر کی وجہ سے ہے، اور باقی ورلڈلی نالج وہ بھی مدر کی وجہ سے ہے، اور زیادہ انٹریکشن 10 سال تک مدر سے ہی ہوتا ہے، تو جب مدر ایجوکیٹڈ ہے تو وہ دنیا ہی، نیکسٹ دنیا، نیکسٹ پیڑھی، نیکسٹ جنریشن will altogether be different. I hope to see a very great city of Hyderabad with highly educated people, jaisa Kerala mein to ab I think it is almost 100% literacy hai aur 90% digital literacy hai. Hum to kafi dur hain, abhi bahut dur jana hai, magar inshallah آنے والی 20 یا 30 سالوں میں شہر حیدرآباد بھی وہ لیول ریچ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے
और इतना कमिटमेंट है ये बच्चों के अंदर, और फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी दे आर चेयरफुल. ज़्यादातर स्कूल्स में टेंशन होता है. टीचिंग इज डन इन अ टेंस एटमॉस्फेयर. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द उर्दू इक्विवेलेंट फॉर दैट. टेंशन. यू टेक स्कूल्स लाइक नारायणा और श्री चैतन्य, जो कहते हैं लोग काफ़ी रैंक्स और मार्क्स पाते हैं. आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, मगर वहाँ मैं बहुत बार गया हूँ वैसे स्कूल्स में भी जो मीडिया तेलुगु मीडिया कॉल्स इट कॉरपोरेट स्कूल्स, जहाँ ट्यूशन फीस विल बी मोर देन माई ईयरली सैलरी. तो उतना एक्सपेंसिव स्कूल्स है, लेकिन वो स्कूलों में जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेस पर कोई चेयरफुलनेस नहीं होता है. दे आर ऑल लाइक मशीन्स, लाइक रोबोट्स, एंड दे डू देयर लर्निंग विद अ लॉट ऑफ पेन. सो थैंक गॉड इस मॉडल स्कूल में जो भी लर्निंग होता है वो चेयरफुली होता है, और उसके लिए टीचर्स स्पेशल, दे डिजर्व ए स्पेशल वर्ड ऑफ कंग्रेचुलेशंस. हम तो सब प्रोग्राम्स देखे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव जो माइम था, MIME माइम, जिसमें नॉट इवन वन वर्ड वॉज स्पोकन, एक लफ्ज भी नहीं बात हुआ, लेकिन दे कन्वेड द मैसेज सो ब्यूटिफुली. ये इसलिए कि जो एक्टर्स थे उसमें वेरी वेरी टैलेंटेड, और मैं वो सब लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ. और हो सके तो उसका डायरेक्टर कौन है, कैन आई हैव दी सम टीचर मस्ट बी द डायरेक्टर. ओ कंग्रेचुलेशंस मैडम, यू हैव डन एक्सलेंट, वेरी वेल. दीज टू पीपल हु डायरेक्टेड, आई एम अ लिटिल फेमिलियर विद द NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. इवन देयर आई डोंट थिंक दे कैन इक्वल दिस परफॉर्मेंस. वैसे तो कुछ 50 साल पहले मैं भी एक एक्टर था, रविंद्र भारती में आई प्लेड सम रोल्स, और हमारे काउंटर पार्ट थे एक काफ़ी मशहूर असलम फरशूरा. हैज़ एनीबडी हर्ड ऑफ? हाँ, फरशोरी. ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट अनवर उलूम कॉलेज एंड वी रिप्रेजेंटेड उस्मानी यूनिवर्सिटी, and there was some kind of a competition. He's a great man. So when I say that it is an outstanding performance, I say it with some kind of a knowledge about dramaturgy, kyunki main khud actor tha. So wo number one hai. I think it's outstanding performance. Then all the little girls jo ho gaye kamyab, which is actually originally, you know, wo Martin Luther King ka We Shall Overcome बोल के, there was a song when he made a march to the it is for civil rights, it's a civil rights march in Washington 50 साल पहले. तो वो song था, मगर वो राजीव गांधी के ज़माने में 1984-85 में some people adapted it to Hindi and it's a beautiful presentation. और चक दे इंडिया, वो भी एक्सलेंट डांस था, फुल ऑफ विगर. जैसा आप जानते हैं चक दे इंडिया इज अ फिल्म अबाउट हॉकी, एंड ऑल द पीपल हु परफॉर्म्ड दे लुक्ड लाइक स्पोर्ट्समैन, वेरी विगरस एंड वेरी फिट, एंड आई होप दे विल रिमेन लाइक दैट भविष्य में भी, फ्यूचर में भी, बी फिट एंड फुल ऑफ एनर्जी. देन ऑफ कोर्स माई फेवरेट सॉन्ग 1992 में रिलीज हुआ था, फिल्म कॉल्ड रोजा, और रोजा दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर था, और ही वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, स्टिल इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडिया. ही इज मोस्टली इन हॉलीवुड फिल्म दीज डेज. AR रहमान. आई डो नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट
A.R. Rahman. I am specially mentioning A.R. Rahman to tell you, इसलिए कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, वो कॉम्पोजिट कल्चर है. We have everybody from all communities, from all parts, who have contributed to this culture, this composite culture of which we are so proud of. A.R. Rahman is actually